हेलो बच्चों नमस्कार। पिछला पाठ पूरा हो चुका है, हम अगला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ है चांद वाली अम्मा। मैं इस पाठ का सारांश यानी इस पाठ में क्या क्या हुआ था उसको बताने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। बहुत समय पहली बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, वह अकेली रहती थी। घर के सारे काम वही करती थी। जब भी वह आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा के आंख दिखाने पर वह पीछे हट जाता। कुछ देर बाद फिर वही शरारत करता। एक दिन अम्मा गुस्से में थी, जैसे ही वह झाड़ू लगाने को झुकी वैसे आसमान ने तंग करना शुरू कर दिया। गुस्से में अम्मा ने झाड़ू आसमान पर दे मारा, आसमान हट गया। आसमान ने अपने आदत के अनुसार अम्मा के झुकते ही फिर टक्कर मारी। अम्मा ने जोर से आसमान पर वार किया, आसमान ने झाड़ू पकड़ ली। दोनों में खींचतान शुरू हो गई। खींचतान का मतलब दोनों एक तो खींचने लगे, वो उधर को खींचने लगा, वो उधर को खींचने लगा। आसमान झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अम्मा को बड़ी चिंता हुई। अम्मा झाड़ू के साथ ऊपर पहुंच चुकी थी, इसलिए झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अचानक उसे चांद दिखाई दिया। चांद के पास पहुँचते ही अम्मा चांद पर चढ़ गई। आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। उस दिन से अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर आज भी बैठी हैं। बच्चा आपको ये बार बार सुनना है, पढ़ना है, लेकिन लिखना नहीं है। ध्यान रहे, लिखना नहीं है। कल से हम फिर पाठ को आगे बढ़ाएंगे।